तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो स्मार्टफोन बताने जा रहा हूँ, गेमिंग स्मार्टफोन, जो आपको लेने के बाद आपका गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही हाई लेवल में लेके जाने वाला है। और इन दोनों का प्राइस रेंज कुछ 15K के बीच में ही रहने वाला है। तो भाई इन फ़ोनों में आपको कौन कौन सी एडवांटेज देखने को मिल जाएगी और ये लेने के बाद भाई आपको लगभग दो साल तक रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा कि ये फ़ोन लेके मैं गलत कर दिया या है वो। और भाई इन फ़ोनों को लेने के बाद आपको कौन कौन से एडवांटेज देखने को मिलेगी सारा चीज़ बताऊंगा। और भाई आपका एक सब्सक्राइबर भाई मेरा 2K करवा सकता है भाई, 2K के बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ही है, तो भाई सब्सक्राइब कर देना और भाई बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई हमारा जो पहला फ़ोन निकल के आ रहा है वो रियलमी का नार्जो 30 आ रहा है। और भाई इसमें भाई आपको बहुत ज़्यादा वाला फ़ायदेमंद देखने को मिल जाएगा, 5000 का mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा। और इसमें भाई आपको सुपर पावर सेविंग मोड है, मतलब आपका 5% भी सेविंग बैटरी परसेंट है ना भाई, आप 1 मैच तो आराम से खेल ही लोगे। और भाई इसमें भाई आपको स्टोरेज की दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये 15000 के बीच में ये 128GB का रोम देने वाला है। और भाई ये फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, क्योंकि 1 घंटे में इनका बोलना है कि आपका 100% चार्ज करके देगा। 30V का ये डायरेक्ट चार्जर है। और भाई इसमें भाई आपको 19Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, मतलब आपको जो टच स्क्रीन है ना वो बहुत ही तगड़ा वाला काम करने वाली। और मेन बात रहेगी हमारा गेमिंग प्रोसेसर, इसमें हीलियो का G95 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि सिर्फ गेमिंग के लिए बनाया गया है। तो भाई ये फ़ोन को लेना का आपको पड़ेगा ही, मतलब अच्छा वाला है, मैं ही इन्हें बोल रहा हूँ लेने को ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा फ़ोन निकल के आ रहा है वो हमारा निकल के आ रहा है भाई, हमारा जो दूसरा फ़ोन निकल के आ रहा है वो रेडमी का Note 10s आ रहा है। और इसमें भाई आपको क्या क्या देखने को फ़ायदा मिल जाती है यहाँ पर ये बता देता हूँ। इसमें भी है आपको स्टोरेज का दिक्कत नहीं आने वाली, 128GB का रोम देखने को मिल जाएगा, 6GB का रैम देखने को मिल जाएगा, दोनों में ही आपको 6GB का रैम देखने को मिल जाएगा। और इसमें भाई आपको बैटरी की बात कर ले तो 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा। इसमें 33V का चार्जर देखने को मिलता है, पर कितने जल्दी चार्ज होगा वो तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। और इसमें भाई आपको कैमरा क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। और इसका मेन चीज़ रहा गया प्रोसेसर इसका को मीडिया टेक का हिलियो G95 देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये भी एक गेमिंग प्रोसेसर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला प्रोसेसर है। तो भाई आपको लेना चाहिए ये वाला फ़ोन को, आपको देखो MI का फ़ोन चाहिए तो भाई ये ले सकते हो, रियलमी का फ़ोन चाहिए तो वो ले सकते हो, भाई आपकी ऊपर मर्जी है, मैंने बता दिया मुझे जो ठीक लगा। तो भाई आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, मिलते हो किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।